हमरे सामने वाली खिड़की पे एक चांद का टुकड़ा रहता है। भाभी जी, ये गाना तो हमें गाना चाहिए आपके लिए। आप गाइए ना, हम कहाँ रोके हैं आपको। ये लीजिए फिर। बहुत अच्छे बरबूती जी, आप तो एकदम किशोर कुमार की भाईस में गाए हैं। अभी जी वो भाईस नहीं, वो वॉइस होता है, वॉइस। ऐसे ही पकड़े हैं, बहुत अच्छा गाए आप। अभी जी मैंने कहा अगर सुनने वाला हसीन हो तो सुर अपने आप मुंह से झड़ने लगते हैं। अरे नाश्ता लगाओ पगली, यहाँ भूख से बेहाल हुए जा रहे हैं। हाँ हाँ ला रहे लड्डू के भैया। अभी जी क्या हुआ? आओ लड्डू के भैया भूखे हैं। वो तो हमेशा से भूखे हैं, वो भूखे ही रहते हैं। Because he's a buka. हाँ आपको पता है, वो हमेशा बोलते हैं कि अंगूरी तुम ना इस दुनिया की सबसे अच्छी कुकर हो। भाभी वो कुक कहना चाह रही हैं आप? सही पकड़े हैं। भाभी जी वैसे बना क्या रही हैं आप? अगुइया के पराठे। लड्डू के भैया को ना हमारे हाथ के पराठे बहुत ही ज्यादा पसंद हैं। आप क्या बना रहे हैं? एग व्हाइट बेसन चिला एंड कॉफी। अनु का दिन मेरी कॉफी के बगैर शुरू ही नहीं होता। विभो तुम नाश्ता बनाने गए हो या उगाने गए हो? इनको भी भूख लग गई। ला बेबी, इट्स ऑलमोस्ट डन। ये लीजिए। ये क्या है? अघुइया के पराठे। घुइया के पराठे? एक तो घुइया के पराठे और ऊपर से ये इतना सारा घी, वो भी देसी। तुम्हारा इरादा क्या है पगली? तुम का हमें वो सुमो पहलवान बनाना चाहती हो? कच्चू भी बोलते हैं हम का है आपको सुमो पहलवान बनाएंगे। हाँ तो फिर का है हमें ये घुइया के पराठे खिलाती रहती हो? ये पराठे खिला खिला के तुमने हमारी ये देखो ये तो तोंद ये निकाल दी है तुमने। अच्छा ये तोंद हम निकाले हैं? और आप जो हमसे हमेशा फरमाइश करते रहते हैं कि पगली आज घुइया का हलवा बनाओ, घुइया के कोफ्ते बनाओ, घुइया का अचार बनाओ, वो सब का है? तो पना नहीं कर सकती? तो आप हमसे इतने प्यार से बोलते हैं तो मना कैसे करेंगे? चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ। आगे से हम जो ये तेल वेल वाला खाना बिल्कुल नहीं खाएंगे क्योंकि हमें फिट होना है। बिकॉज भाई लाइक फिट मैन। अका बोले? हमने ये कहा कि आगे से घुइया के पराठे नहीं खिलाएंगे। पता खाने खिला खिला के हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा दिया तुमने। बड़ो मरत ले जाओ, नहीं खाना। और अच्छा था खाना बना के लाओ जिससे कोलेस्ट्रॉल कम हो, तुंद कम हो मेरी। बेबी आ गया तुम्हारा बेसन का अंडे वाला चीला। हे यू आर फाइनली विभू, फाइनली। अरे क्या है यार विभू, ये क्या पीला पीला लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कि पी लिया हो गया इसको। बेबी बेसन का चीला पीला नहीं होगा तो क्या नीला होगा? विभू मुझे मत बताने की कोशिश करो कि बेसन का चीला क्या होता है और किस कलर का होता है, प्लीज। आई नो इट, मैं बचपन से खाती आ रही हूँ। खाम खा क्यों बहस कर रही हो यार, चीला खाओ, ठंडा हो रहा है। वो क्या है, ये मजाक है क्या? क्या मतलब? अरे तुम क्या बना के लाए हो सीरियसली? क्या हो गया आज तुमको? ना इसमें प्याज है ना इसमें टमाटर है, आधा ये कच्चा है। तुम क्या बेसन का झोल मुझे कच्चा पका के ले आए हो? तुमने तो मुझसे कहा था कि ना तुम्हें टमाटर चाहिए ना प्याज चाहिए, तो मैंने बस नॉर्मल जैसे चीला होता है ऐसे बना दिया। क्या हुआ, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? नमक भी नहीं डालोगे, अजवाइन भी नहीं डालोगे, हींग भी नहीं डालोगे, मसाले भी नहीं डालोगे और सारा दोष तो मुझे दे दोगे। यार नहीं मन था आज बनाने का तो बोल देती कि नहीं बनाना है, आज कुछ और खा लो। मैं बिस्किट खा लेती, एप्पल खा लेती, कुछ नहीं खाती यार, तुम्हें ट्रबल नहीं करती मैं। लेकिन मतलब क्या हुआ ये बनाने का,
ये तो बहुत गंदा, ये भद्दा, इट्स वेरी पुअर क्वालिटी। तुमने क्यों किया ऐसा काम? तुम हमेशा ऐसे कर देते हो। बता दिया करो ना, मुंह पे बताया करो कि नहीं करना आज मुझे। अब देखो तुमने बना भी दिया और सारा एहसान मुझ पर मढ़ दिया, क्रेडिट ले गए और मेरा काम भी नहीं बना। यार वेरी डिसअपॉइंटिंग है। सुबह सुबह मतलब मुझे खाली पेट रहना पड़ेगा सारा दिन। मैं रह लूंगी, लेकिन अगर तुम मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देते ना मेरे मुंह पे कि आज मुझे नहीं बनाना है, तो मुझे बेटर लगता। कम से कम मैं अपना इंतजाम कर लेती। लेकिन नहीं, आपको ये पुअर क्वालिटी ऑफ काम करना था। है ठीक है, इट्स ओके, यू आर पनिशिंग मी, बेसिकली यू आर पनिशिंग मी। अब मैं सारा दिन भूखी रहूंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लवली ब्रेकफास्ट। दिया ये कहाँ है लड्डू की भैया, ऐसा काय करते हैं? हम कितने मेहनत से उनके लिए ये सब नाश्ता बना, इतना तैयारी की, वो सब हमारे किए कराए पर फ्लस कर दिए। हम कितना दुखी हैं। बेहर, इनकी फरमाइशें पूरी करो, नखरे झेलो। ये कच्चा है, ये ठीक नहीं है, ये ठंडा है। अरे यार, इतने प्यार से नाश्ता बनाया था, सारा का सारा एकदम बैंड बजा दे नाश्ते का, बड़ी हेल्प था। भाभी जी, क्या हुआ, आप बहुत दुखी लग रही हैं? कुछ नहीं, आपका हुआ, आप भी तो ऐसे दुखी लग रहे हैं। अबे ये हम तो एक मासूम बछड़े हैं जो गलत खूंटे से बंधे हुए हैं। का बोले भाभी जी, इस बछड़े की असली जगह आपके दिल का खूटा है। का बोलते ना, हमरे कछु नहीं समझ आता है। ये तो मैं सोचता हूँ भाभी जी कि हम दोनों इतना दूर क्यों हैं? Why aren't we together? अरे बे, गुजर सारे छप जाए इसमें, बकवास कर रहे हो, कहाँ पढ़ रहे हो? अरे यार, नरोरा में फैक्ट्री खुल रही है, कछु दिनों में जो है ना भर्ती भी शुरू हो जाएगी। लेकिन यार, नरोरा तो यहाँ से कम 300-400 किलोमीटर दूर होगा, मेरी जान आने जाने में ही गुर्दे मुंह को आ जाएंगे। अरे भैया, वहीं पर रहना पड़ेगा यार। हाँ यार, सुनो, ये फैक्ट्री ना जंगल में पड़ती है यार। भैया वहाँ पर तो दारू को ठेका भी नहीं मिलेगा। हाँ यार, वो सब तो ठीक है, कसम से कह रही हूँ, टीका मलखान, मेरा तो दिमाग भिन्नोट हो रहा है यार, अच्छे काम का जुगाड़ हो ही नहीं पा रही है यार। ना ना, तुम बता, तुम हमसे कैसे बात कर रही हो? हैं, घर ना आई हो? घर ना, अरे हमें घर ना आने, खुद हम खुद सारू कदम ना धरेंगे घर में। हाँ, गुल्लो को कोठो जिंदाबाद। देखो अभी हमारी खोपड़ी जो घूम रही है, रज्जू हमारी बात सुनो पहले, हमें कछु कह लो बर्दाश्त कर लेंगे, हमें तुम बाप को काय कह रही निछावर खोर। इसका मतलब है कि तुम अपने डोकर की पैदाइश ना हो। अच्छा भाई, खोपड़िया ना खाओ, समझ गई, हमें ना तुमसे बात करने, ना कोई से बात करने, तो का? तुमने हम पे एहसान करो शादी करके? सही तो कह रही दरोगा जी, वरना आप जैसी कैकड़ी सी शकल वाले को कौन अपनी छोरी दे? तो सारी यारो, 6 घंटा से सुन रही है तुम्हारी बकर बकर, बीबी से तो बाद में निपटेंगे, पहले तुम्हारो इंतजाम कर दे। हमें ऐसा लग रहा होगा खुजली हो रही है तुम्हारे गुर्दन में। आप दरोगा जी चाय पियेंगे? तू कहाँ से मर रहा हुआ है? बारात में आओ सारे। माफ कर दो आजी भैया, जो होल्ड पे है। तो क्या यार, फिर से लाइट बिल, टेलीफोन बिल और पानी का बिल बिना पे किया रखा हुआ है। यार क्या प्रॉब्लम है इस आदमी की? मैंने इसे महीने की शुरुआत में कैश दे दिया था बिल भरने के लिए, फिर इसने बिल नहीं भरा। विभो, विभो,
या बेबी? यार तुमने मुझे बेवकूफ समझ के रखा है क्या? मैं तुम्हें बेवकूफ क्यों समझूंगा? यही तो करते आ रहे हो तुम, बेवकूफ बनाते आ रहे हो, सारी जिंदगी तुम यही कर रहे हो। ऐसे मैंने क्या कर दिया? ये क्या है? टेलीफोन बिल, पानी बिल, लाइट बिल। मैंने आपको तो पैसे दे दिए थे। पैसे दिए थे कि नहीं आपको जमा करने के लिए बिल? लेकिन ये बिल्स ऐसे के ऐसे ही पड़े हुए, ना इनमें साइन है ना इनमें स्टैंप है, आपने भरे नहीं पैसे। तो सारे बिल मैंने उसी टाइम भर दिए थे। अच्छा, वेरी नाइस। तो ये क्या है, आपके पिताजी के लव लेटर्स? क्या है ये? वो मैं एक्चुअली। प्लीज स्टॉप इट, कितने बहाने मारोगे यार? कितना झूठ बोलोगे? इन बिल्स पे ना सिग्नेचर है ना स्टैंप है। मैंने तुम्हें पैसे कब से दिए हुए? तुमने फिर बिल नहीं भरा। तुम हर महीने यही करते हो, बिल नहीं भरते हो, वो पैसों की अय्याशी कर लेते हो। यार I'm fed up यार। अनु तुम मुझ पे बहुत गलत इल्जाम लगा रही हो। I'm sure मैं तो घटिया इल्जाम लगा रही हूँ, लेकिन आप जो घटिया काम कर रहे हैं उसकी मुझे एक्चुअली आरती उतारनी चाहिए। एक्चुअली मैंने बिल ऑनलाइन भर दिए हैं। ओह दैट्स अ न्यू बहाना, नया, काफी इनोवेटिव है। स्टॉप इट यार, स्टॉप गिविंग मी बहानास। ओके फाइन, अभी चेक कर लेते हैं, दूध का दूध पानी का पानी। आपने ऑनलाइन भरा है ना? ठीक है, चेक कर लेते हैं। टेलीफोन का बिल भर दिया। क्या बात है, एहसान हो गया, एहसान किया आज आपने हम पे। लाइट का बिल भी भर दिया। प्रमोशन हो गया आपका। हाँ, पानी भर दिया। अब कुछ नहीं कहोगी? क्या कहूंगी, काम हो गया, क्या कहना है। ओ तुम ये बताना चाहते हो कि मैं विलन हूं, मैं इतनी बुरी हूं कि काम खत्म हो जाएगा लेकिन मैं तुम्हें फिर भी सुनाऊंगी। You want to prove that I'm evil, na? Come on, yaar. It's okay. Kaam ho gaya na. Chill. Jao apna kaam karo. It's fine. Work is done. Agar galti hai, to suno. Nahi galti hai, to aur zyada suno. Aur halaat mein suno. अरे कहा है अम्मा, जब देखो तब तुम हमें ही डांटती रहती हो। अब तुम्हारी बहुरिया बॉडम पने की बात करेगी तो गुस्सा तो आएगा ना। हाँ तो फिर काहे हमारे पीछे पड़ी रही, बताओ काहे हमारे पीछे पड़ी रही कि शादी करवा लो शादी कर लो। हम कुंवारे ही अच्छे थे ना। ये लीजिए आपके लिए मसाला वाला चाय। हाँ तुम ये अम्मा से हमारी क्या चुगली भिड़ाई? आइडिया, हम कौन सा चुगली भिड़ा दिए? अच्छा, अम्मा को ये कहने की क्या जरूरत थी कि लड्डू के भैया हमसे ठीक से बात नहीं करते? हाँ तो सही बात है ना? क्या सही बात है? तो क्या करे बताओ, क्या करे? हर रोज सुबह उठ के तुम्हारी आरती उतारे, ढोल नगाड़े बजा के तुम्हारे लिए मंगल गीत गाए? हम कब बोले ऐसा, कब बोले आपको कि हमारे लिए मंगल गीत गाए? कहना तो तुम बहुत कुछ चाहती हो लेकिन कह नहीं पाती हो। हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, बल्कि हम तो आपका दिन रात सेवा करना चाहते हैं। सेवा करना चाहते हैं भैया, सेवा करना चाहते हैं। तुम सेवा करने का ड्रामा रचती हो। देखिए आप हमको ऐसे नहीं बोल सकते हो। ऐसे नहीं बोल सकते, एड़ा बन के पेड़ा खाती हो तुम। आप हमको हॉट करे आज। वो हॉट होता है? ऐसे ही पकड़े हैं हम, सही पकड़े हैं, लेकिन तुम बहुत गलत पकड़ रही हो, समझे?
कमरे में। भाभी जी घर पर हैं? आइए आइए भरभूति जी। वाह वाह, क्या खुशबूदार पकवान बना रही भाभी जी आप तो। वाह भाभी जी, बिरयानी बनाई आपने, मेरे मन की बात छीन ली आपने तो। हाय दिया, आपके दिमाग में भी बिरयानी का ख्याल आया रहा का? आया तो आपका आता है हमेशा। क्या बोले? मेरे भाभी जी, इस लजीज बिरयानी को हम दोनों मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। Let's eat it. ठीक बा। Fantastic, fantastic. Wow. भाभी जी, बिरयानी का एक और आपके दुखों को हवा देने के नाम, प्लीज। ओहो खचेड़ू, तू यहाँ है और मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। नमस्ते वाटरमेलन आंटी। ये मेरा जानबूझकर तो नहीं नाम बिगाड़ कर बोलती? मम्मी 5 साल से वेरी कंफ्यूज हूँ, ओके? भाभी जी वो हेलेन आंटी होता है। सही पकड़े हैं। आंटी जी आप भी बिरयानी खाइए ना। अरे इस बिरयानी की खुशबू से तो मैं यहाँ खींची चली आई और मुझे पक्का पता था कि कचेड़ू यही होगा क्योंकि पता है बिरयानी ना इसकी फेवरेट डिश है। मम्मी आइए इस बिरयानी को एंजॉय करते हैं। चीयर्स। लौंडो तुमने क्या ताक झांक लगा रखी है बे? एक्सक्यूज मी अंकल, हम तांगा जागी ना कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि ये बिरयानी की खुशबू है ना, हमें खींच कर अपने पास ले आई है। यार लंगर नहीं लगा हुआ है बाय द वे। और ये बिरयानी भाभी जी ने मेरे लिए बनाई है स्पेशली, दफा हो जाने से। हाँ भरभूति जी, आप कहे ऐसा करते हैं लड़कों के साथ। रुकिए हाँ, आप लोग भी खाइए। अभी जी आपके हाथ की बिरयानी मैंने बहुत खाई है लेकिन जो आपने बनाई है ना आज बिरयानी, वो नंबर वन बिरयानी है, टॉप मोस्ट टॉप क्लास रियली। वो इसीलिए है भरभूति जी कि हम ये जो बिरयानी है ना वो नरेश बासमती चावल का बनाए हैं। कहा है कि जो नरेश बासमती चावल है ना ये बाजार में जो भी दूसरा बासमती चावल मिलता है उससे कम पॉलिश्ड है। और नरेश चावल कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन और आयरन से भरपूर है। कहा है ना हम तो हमारे घर में सब कुछ नरेश ब्रांड का ही चीजें लाते हैं, वही पकाते हैं और वही खाते हैं। नरेश ब्रांड के प्रोडक्ट्स हेल्दी और न्यूट्रिशन से भरपूर होते हैं। क्या बात है, बिल्कुल हमारी सर्वगुण संपन्न अंगूरी की तरह। एब्सोल्युटली। आइए ना आंटी। अरे अरे भैया, अरे गलत कर दी यार। क्या हुआ लौंडो, कौन तोड़ गया तुम लोगों को? सक्सेना जी क्या नहीं हुआ, सत्यानाश हो बेड़ा गर्क उस दरोगा का, वो हमें तोड़ के आ ही चला गया। ओ तो एक काम करो ना, तुम लोग उसकी भड़ास मुझ पे निकाल लो। हा? मारो मुझे। क्या मतलब? अरे मतलब ये कि तुम लोगों के अंदर जो भड़ास है उस भड़ास को मुझे मार के निकाल लो ना, ये समझो कि मैं हप्पू सिंह हूँ, है ना? और सुनो एक काम, कितने हैं मेरे पास? 1000 है, पहले 500 एडवांस पकड़ो, फिर काम होने के बाद 500 और। हाँ निकालो भड़ास, मारो मुझे, मारो, हप्पू सिंह हूँ मैं। साले भुतनी के निछावर खोल दरोगा तेरी तो। I like it. सारे नीचड़ आदमी, सारे हप्पू सिंह ऐसो कमीने मरे होंगे तब जाके तू पैदा हुए होगो। लाओ बाकी के 500 रुपए और दो। नहीं यार मजा नहीं आ रहा है। आई डोंट लाइक इट, ये दिल मांगे मोर। मोर तुझे मार मार के मोर बना देते, साले को मारो भुतने वाले को। इधर को आओ सारे के। I like it. Well done, boys. Well done. ये लो तुम्हारे बाकी के 500। आई लाइक इट।